सेंटर ऑफ मास जिसको बोलते हैं बैरी सेंटर, वो घूमता है, ठीक है। क्या दिख गया सबको? थोड़ा थोड़ा देखो ध्यान से, यहां पर भी चीजें घूम रही होंगी, है ना? ऐसे से ये देखो, ये मून घूम रहा है ऐसे से चारों तरफ, दिखाई क्या? एकदम सेम पिक्चर बना है, बगल में ये मून घूम रहा है, बगल से ये बैरी सेंटर आ रहा है, ऐसे दिख रहा है क्या? बैरी सेंटर आ रहा है सर के चारों तरफ। हरिशंकर देखो, ये ना था जो हम बात कर रहे थे, ये क्या था बता तो, ये वाला पॉइंट क्या था? ये क्या है? हाँ, ये पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ मून सिस्टम, है ना, अराउंड सन। क्या सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास है, समझ लो, अभी तक हम लोग मानते थे, यहां तक क्लियर है कि नहीं है, है ना? जैसे अगर हम बोल दें, अगर हम ये कह दें कि मेरे पास एक वही एक हैवी बॉल है और एक छोटा सा बॉल है, ठीक है, और हमने इस बॉडी को यहां से फेंक दिया ऐसे करके, ठीक है, तो कौन सा पॉइंट है जो कि एकदम सिंपल पाथ लेगा? वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास। क्या होता है? सेंटर। हाँ, एकदम बहुत कोई रिजिड बॉडी है, कोई बहुत बड़ा, जैसे फोन हम लोग घुमाते हैं ऐसे ऐसे करके, ना, हाथ से फ्लिप करते हैं, तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत ही सिंपल पाथ लेता है, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? बाकी तो उसके हर एक पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट पाथ लेंगे। सोच के देखो, ये पॉइंट कैसे कैसे जा रहा होगा, सोच के देखो, ये पॉइंट कैसे जा रहा था, ये वाला पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट ऐसे ऐसे जा रहा था क्या, है ना, ऐसे बेढंगा तरीके का पाथ अचीव करके। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ मास है, यही इस पाथ को अचीव कर रहा है ना, जो अभी दिखा रहे थे ना वीडियो में, ये देखो वीडियो में ही ना दिख रहा था, इसका जो बॉटम वाला पॉइंट है, देखो बॉटम वाला पॉइंट कैसे कर रहा है ना, बॉटम वाला पॉइंट का तो कोई ठिकाना ही नहीं कौन सा पाथ अचीव कर रहा है ना। और सडनली देखो कि बीच वाला पॉइंट जो इसको हम सेंटर ऑफ मास कर रहे हैं, हाँ, वो एकदम सिंपल पाथ अचीव करता है। तो सेंटर ऑफ मास पढ़ना जरूरी क्यों है? आई थिंक तुम लोग को थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने जितनी सारी फिजिक्स पढ़ी है वो सबका सब इस पॉइंट के अबाउट आराम से लग जाएगा, है ना? कोई दिक्कत है किसी को? अरे बोलो रे। तो अगर अब हम, हाँ चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं छोटा छोटा बात। जैसे अगर हम लोग पढ़ते थे कि एफ एक बॉडी है, इस पर हम लोगों ने फोर्स लगा दिया, क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया, इसका वजन है एम, तो ये बॉडी एक्सलरेट कर जाता था, याद है? इन पढ़े थे, तो जो एक्सलेशन था हमने बताया था क्या, कि फोर्स बाय मास, क्या यहाँ ये हमने पढ़ा है क्या, है ना? लेकिन सोच के देखो, अगर हम ये कह दें मेरे पास इस तरह का एक बॉडी है, ध्यान से समझना, खाली फील करना थोड़ा सा, और हम यहां से फोर्स लगा दें और इसका वजन m है, फील करो कि यहां पर इवन सरफेस फ्रिक्शन भी है, म्यू वगैरह भी है, तो बताओ इस बॉडी का मोशन कैसा होगा? सोच के देखो, तो सोच के देखो जल्दी से, नवाजिश कैसा होगा रे? क्या ये, हाँ, ये रॉड ऐसे हो जाएगा क्या सोनल? क्या ये रॉड ऐसे टिल्ट कर जाएगा क्या? क्लास में है, क्लास में, हाँ बोलो, क्या ये टिल्ट कर जाएगा ना? ये तो गिर जाएगा, ये तो ऐसे से रोटेट कर जाएगा, नहीं कर जाएगा? हेलो हेलो हेलो, फोन कर करके ना लोग परेशान कर दिया बीच में, ठीक है, पता है क्लास में सब सोचता है कि मतलब लॉकडाउन लग गया, घर में नल्ला बैठा लोग। चलो ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? हेलो, जो बोलता है रिकॉर्ड होता है, समझ रहे हो बात को, रिकॉर्ड होकर के फिर यूट्यूब पे चल जाता है, थोड़ा संभल के बोला करो। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्या ये बॉडी घूम जा रहा है क्या अल्फा से, है ना?
ये रोटेट कर जा रहा है। तो सोच के देखो क्या हम ऐसा क्यों हुआ। हमने तो पढ़ा था सर कि फोर्स लगाए तो बॉडी एक्सलेट करेगा, ये तो ऐसे ऐसे टिल्ट कर गया। क्या ये फील हो रहा है मेरा बात? अरे मेरे सवाल समझ में आए? अरे तुम लोग कैसे? हाँ, जैसे जैसे अगर अगर एक बॉडी है, इस पर हमने क्या सीखा था कि सर फोर्स लगाए तो बॉडी एक्सलेट करेगा, इतना तो पढ़े थे ना फ्रॉम एनएलएम। लेकिन सो फील करो, हम अभी पढ़े नहीं है इसके बारे में, लेकिन फील करो कि इस तरह का एक बहुत बड़ा सा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ऊपर में हमें से फोर्स लगा, ये बॉडी कैसे करेगा, इसका पाथ कैसा होगा? ये तो ऐसे टिल्ट कर जाएगा ना, इसको टॉपलिंग बोलते। क्या उसको टॉपलिंग बोलते हैं? लुढ़कना बोलते। क्या उसको? लुढ़कना। ये लुढ़क, हाँ लुढ़क जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ? पढ़े तो सर ये थे, ये ऐसा कैसे हो गया? क्या ये सवाल है कि नहीं है? इसको तो सीधे सीधे चुपचाप से चल जाना चाहिए था, है ना, एक्सलेट कर जाना चाहिए था। पीछे सर फ्रिक्शन लगा दीजिए आप आराम से, म्यू एम जी। सर एक्सलेशन तो ये होना चाहिए था कि एफ माइनस में म्यू एम जी बाय टोटल मास एम। क्या ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्योंकि फोर्स आगे लगा, म्यू एम जी पीछे लगा बाय टोटल मास एम। क्या इतना इतना हम कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? लेकिन ऐसा ऐसा हुआ नहीं, है ना, ऐसा हुआ है ना, नहीं। बॉडी क्या हो गया? टॉपल कर गया, लुढ़क गया। तो हम ऐसा क्या सोचे कि सर ऐसा पॉइंट बताए? पहले तो अभी हम नहीं जानना चाहते कि ये क्यों हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हम रोटेशन अभी नहीं पढ़े। हम ये जानना चाहते कि सर इसको हम जो पढ़े वही चीज लगाइए इसमें, कि हमको एक्सेलरेशन ये दिखाइए इसमें कहाँ कैसे। आप जो पढ़ाए थे इस वाले में वो यहाँ क्यों नहीं लगा और कहाँ पर लगेगा, किस सिचुएशन में ये क्रिएट होगा? तो पहला बात तो ये क्या पढ़े थे? ये पढ़े थे हम कि ये पार्टिकल था। ये क्या था? पार्टिकल। हमने क्या पढ़ा था बोलो तो? पार्टिकल मैकेनिक्स पढ़ा पढ़ा क्या पढ़ा था बोलो तो? पार्टिकल मैकेनिक्स पढ़े। तो उसमें एक छोटा सा मास लिए थे, उस पे हमने ऐसे करके फोर्स लगाया था, ये बॉडी का फ्रिक्शन बोल सकते थे म्यू एम जी होता, ये बॉडी आगे एक्सेलरेट करता था, तब बोल सकते थे एफ माइनस एम यू एम जी बाय टोटल मास एम। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये क्या है बोलो तो? एक्सटेंडेड। हाँ एक्सटेंडेड, बड़ा सा बॉडी है और बड़े से बॉडी में इसके हर एक पॉइंट पर पार्टिकल्स हैं। देखो तो क्या हर एक पॉइंट पर पार्टिकल है कि नहीं है? एंड इवन पार्टिकल इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स बॉडी, है ना। दैट मीन्स एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब क्या हो गया? एक्सटेंडेड बॉडी का पार्टिकल इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स बॉडी, पूरी बॉडी में पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने ऐसा सोचा कि सर आप एक बात बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास खाली आप बता दो। तो हमने मान लिया कि सेंटर ऑफ मास यहाँ है। क्या है? इस बॉडी का, है ना, बीचों बीच कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। क्या हम ये कह सकते हैं? और ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि हम इसके अराउंड अगर हम फोर्स लगा दें ऐसे करके F, तो ये बॉडी आगे की तरफ एक्सेलरेट कर जाएगा। बैठा दिमाग में? तब ये सिंपल पाथ अचीव करेगा। यानी कि अगर हम ये सारा चीज को हम वैलिड करना चाहते हैं तो हमको उस पॉइंट के अबाउट वो सारा चीज लगाना पड़ेगा जिसको हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास। तो पीछे का जितना काइनेमेटिक्स था, एनएलएम था, वर्क था, वो सब हम उस पॉइंट के अबाउट लगा सकते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में भी। क्लियर है मेरा बात कि नहीं है? अरे बोलो रेहा, क्या क्या नहीं नहीं समझ में आ रहा है? बोलो, नहीं आ रहे तो बोलो ना रेलत भाई साहब। पार्टिकल मैकेनिक्स में था छोटे छोटे बॉडी थे, अभी अब हम बात करने वाले हैं बड़े बड़े बॉडी के बारे में। तो वहां पर हम किस पॉइंट पर फोर्स लगाएं कि ये सारा चीज पीछे वाला वैलिड हो जाए, तो वो है सेंटर ऑफ मास। क्लियर? ठीक है, सबको समझ में आया? अंशु बाबू, अंशु बाबू ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है? कोई तकलीफ, कष्ट, परेशानी? इस पूरे पॉइंट को समझने के लिए पहला चीज हमको पढ़ना है मोमेंट ऑफ मास। क्या पढ़ना है हमको बोलो तो? मोमेंट ऑफ मास। क्या पहला पॉइंट पढ़ना है बोलो तो? मोमेंट ऑफ मास। मान लेते हैं कि हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ले लिया, और यहां पर एक मास रख दिया एम, और इसका मान लो क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है क्या? आर वेक्टर।
ठीक है, तो अभी से एक वर्ड आएगा हर जगह, हर जगह अभी से, क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरा का पूरा रोटेशन तुमको समझ आएगा ये, ठीक है। इसके आगे के पूरा जर्नी अब बिना सेंटर ऑफ मास के नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ रहा है वो उस वो अपने साथ में लॉट्स ऑफ सीरियसनेस लेके आ रहा है, ठीक है। थोड़ा ध्यान समझना इस चीज को कि मोमेंट ऑफ मास क्या है। अगर हम इस मास का मोमेंट लिखना चाहते हैं अबाउट इट्स ओरिजिन, तो हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ मास होता है, ठीक है, इसको हम लोग एस से लिख सकते हैं या जैसे भी लिखना है, ठीक है। ये होता है एम इंटू आर वेक्टर, क्या होता है एम इंटू आर वेक्टर, बस ये मास को इसके पोजिशन से मल्टीप्लाई कर दो तो हमको मिलेगा मोमेंट ऑफ मास। अगर हम यहाँ पर फोर्स लिखना चाहते हैं, फोर्स का मोमेंट लिखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, फोर्स को इसके आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बात? अरे बोल रे, मोमेंटम का लिखेंगे तो जब भी, अब देखो जितना सारा लीनियर वेरिएबल था उन सब का अभी हमको आपसे लिखना है मोमेंट, क्या लिखना है। अरे बोलो, पहला बात तो कान में आवाज जा रहा है ना, कल हूं तो करते जाओ। तो मोमेंट कैसे लिखेंगे, तो हमको बस आर से उन सारे ही चीजों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसके हमको क्या निकलेगा, इस जो भी चीज के बारे में, जो भी फिजिकल क्वांटिटी बारे में बात कर रहे हैं उसका हमको मोमेंट मिल जाएगा अबाउट दिस ओरिजिन, ठीक है। तो ये क्या है बोलो, तो द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉइंट मास एंड अ पोजिशन वेक्टर फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, बस यही। ये क्या है बोलो, तो पॉइंट मास का रेफरेंस पॉइंट से जो पोजिशन वेक्टर है इसका प्रोडक्ट है मोमेंट ऑफ मास। क्लियर है बात? छोटा सा चीज है, डेफिनेशन है, इसको याद रखना पड़ेगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं है, आगे इसका यूज करेंगे तो समझ में आने लगेगा धीरे धीरे करके। अरे यार बोलो रे कुछ। अरे पहला बात m इंटू आर बोलते हैं, हाँ ठीक है। अभी हम मान लेते हैं मेरे पास दो तीन पॉइंट्स हैं, एक है m1, एक है m2, और यहां पर मान लेते हैं कि m3 मास है। क्लियर है यहां तक? और अब हमको बताओ इसका मोमेंट ऑफ मास क्या होगा, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ मास क्या होगा, अगर हम इसका कह दें पोजिशन वेक्टर r1 वेक्टर है, कितना, ये r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है, और ये r3 वेक्टर है, ठीक है। तो हमको बता दो नेट मोमेंट ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम। अब ये डिस्क्रीट मास सिस्टम का मतलब क्या, डिस्क्रीट मतलब होता बिखरा, क्या हुआ, बिखरा हुआ मास सिस्टम है ना। तो देखो एक बॉडी यहां है, एक बॉडी यहां, एक बॉडी यहां, इसको बोले डिस्क्रीट, मतलब बिखरा हुआ है। इसका बता दो नेट मोमेंट ऑफ मास क्या होगा, तो बोलेंगे सर हाँ m1 r1 वेक्टर प्लस में m2 r2 वेक्टर प्लस में m3 r3 वेक्टर, है ना। ऐसे करके अगर बहुत सारे पॉइंट मास ले लेते तो क्या लिखते, mn rn वेक्टर। क्लियर यहां तक है ना? अरे बोल रहे हैं, अच्छा नेट मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम कितना है बता दो, नेट मास खाली बता दो, नेट मास क्या हो जाएगा, एम नेट वो m1 प्लस में m2 डॉट mn। क्या यहां तक कोई सवाल है किसी को, क्या ये दो बात कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, अरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, नेट मास बोले हैं। अगर हम एक काम करते हैं, केसेस खत्म हो गए करे, सुनना, अगर हम ये कर रहे हैं कि सोचना ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, फिर से ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, यहां पर हमने एक मास लिया हुआ था क्या बोलो तो m1, यहां पर m2 रखे थे क्या, और यहां पर ये ना m3 रखे थे, है ना, और इसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये था हमारा r1 वेक्टर, है ना, ये था अपना r2 वेक्टर, और ये था अपना r3 वेक्टर। हम क्या कर रहे हैं, अगर हम ऐसा करें, सोचें
कि इन सब का मास को जोड़ करके हम एक जगह पर रख दिए, ये हो गया टोटल मास। क्या यहां पर बोलो तो? हाँ, टोटल मास हम यहीं पर जोड़ दिए, जिसको हम एम नेट कह दे रहे हैं, हम यहां पर रख दिए। और इसका भी तो क्या मोमेंट ऑफ मास होगा कि ना होगा, हम उसको आर सी एम वेक्टर कह दे रहे हैं, हम ऐसे बोल दिए। ठीक है, तो बता दो मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास ऑफ टोटल मास, टोटल मास। एक एक वर्ड पर ध्यान देना, ऐसे ही सवाल बनेगा आगे। मास सुना ध्यान से, मोमेंट ऑफ मास ऑफ टोटल मास, टोटल मास का मोमेंट ऑफ मास कितना हो जाएगा? तो हम कह देंगे इसका मास और इसका वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कोई सवाल है किसी को? एम नेट इंटू आर सी एम वेक्टर, क्या यही ना कहते मोमेंट ऑफ मास? मास को अगर पोजिशन से मल्टीप्लाई करते तो यही निकलता है जी। चाय खत्म हो गया है ना, अभी हम कुछ भी नहीं करें। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? जैसे यहां पहले था कि इस मास को इसके पोजीशन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? मोमेंट ऑफ मास मिलेगा। उस तरह से एक एक मास को पकड़ पकड़ जोड़े तो टोटल मास मोमेंट मिल गया है ना। और अगर हम इन सब को पकड़ करके, सारे मास जो अभी बिखरे हुए थे सबको एक जगह पे ऐसे करके ना हल्क की तरह पकड़े और एक जगह पर रख दिए, पटक करके यहाँ पर रख दिए, क्या दिख रहा है सबको? है ना, सब मास को ऐसे करके क्लब करके एक जगह पर रख दिए और उसका हम पूछना चाहते हैं बताओ मोमेंट ऑफ मास कितना होगा, तो एम नेट इंटू आर सी एम होगा। कोई सवाल है? अरे बोलो रे। ठीक है, तो अब बात आती है कि सेंटर ऑफ मास क्या है। तो अगर हम ये स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, देखना है ना, इफ मोमेंट ऑफ मास ऑफ होल डिस्क्रीट मास सिस्टम, दो बार पढ़ना है इसको, डिस्क्रीट मास सिस्टम इज इक्वल टू, है ना, मोमेंट ऑफ मास ऑफ टोटल मास, ठीक है, देन आर सी एम इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहां तक क्या हम कह रहे हैं कि अगर पूरे के पूरे मास का जो मोमेंट ऑफ मास निकाले थे ना पीछे, ये निकाले थे ना, और ये अगर ये दोनों बराबर हो जाए, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो आर सी एम को सेंटर ऑफ मास कह देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? एम नेट इंटू आर सी एम अगर एम वन आर वन वेक्टर प्लस में एम टू आर टू वेक्टर प्लस डॉट डॉट एम एन आर एन वेक्टर के बराबर हो जाए, देन अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हो कोई गारंटी? अरे हाँ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए देन आर सी एम को हम कह देंगे सेंटर ऑफ मास, एम वन आर वन वेक्टर प्लस में एम टू आर टू वेक्टर प्लस डॉट डॉट एम एन आर एन वेक्टर बाय टोटल मास, क्या एम वन प्लस में एम टू प्लस में डॉट डॉट एम एन। कोई सवाल? अरे कोई दिक्कत कोई दिक्कत? जो पीछे बताया ये समझ में आए, ये लाइन फिर से पढ़ो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से दो बार रीड करो, ये जो यहां से लिखे हैं यहां तक, कि अगर हम क्या कह रहे हैं कि अगर मोमेंट ऑफ मास ऑफ होल डिस्क्रीट मास सिस्टम, जो पीछे जो डिस्क्रीट मास सिस्टम का जो पूरा मोमेंट ऑफ मास लिखे थे, अगर इसके बराबर हो जाए, मोमेंट ऑफ मास ऑफ टोटल मास के बराबर हो जाए तो आर सी एम को ही सेंटर ऑफ मास कर देंगे। ऐसा हो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो सेंटर ऑफ मास कर देंगे। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, ये एक अजीब तरीके का डेफिनेशन मगर है। अब तुम लोग अगर ये सुनना चाहते हो कि वो पॉइंट बता दो तो हम पहले ही समझा दिए वो क्या है नहीं है, जिसके अबाउट चीजें हैं, लेकिन हकीकत में सेंटर ऑफ मास को डिफाइन कैसे करें मैथमेटिकली, तो वो ऐसे। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे सेंटर ऑफ, अंशु अंशु बाबू, अंशु बाबू, ओ पंकज बाबू, कुछ नहीं बोलिएगा, आप लोग सोने नहीं गए हैं? ठीक है, जो पीछे पढ़ रहे थे हम तो समझ में आ रहा है कि वो सेंटर ऑफ मास वो सिंपल पाथ लोकेट करता है, बट ये सेंटर ऑफ मास निकालें कैसे बाय मैथमेटिकली, तो हम ऐसे निकाल रहे हैं, बैठे दिमाग में?
कि नहीं आया? ये मैथमेटिकल डिफिनेशन हुआ, जो कि थोड़ा फील कम आता है, लेकिन अगर तुमको समझ में आ जाएगा तो बहुत मजे आएंगे, क्योंकि इसके आगे चीजें ऐसे ही काम करेंगी। क्लियर है बात यहां तक? है ना? लेट कर ले रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं यहां से, ठीक है? कि अगर हम ऐसा कह दें कि जो आर वन वेक्टर है, हम उसको लिख सकते हैं क्या, एक्स वन आई कैप प्लस में वाई वन जे कैप प्लस में जेड वन के कैप, कह सकते हैं क्या? उस आर टू वेक्टर के भी अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना? एक्स टू आई कैप प्लस में वाई टू जे कैप प्लस में जेड टू के कैप, होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से करके हम आर एन वेक्टर के बारे में भी कह सकते हैं क्या, एक्स एन आई कैप वाई एन जे कैप अब प्लस में जेड एन के कैप, कह सकते क्या? तो अगर हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं तो हम देन वी कैन राइट आर वेक्टर सेंटर ऑफ मास को भी लिख सकते हैं क्या, एक्स सी एम आई कैप वाई सी एम जे कैप और जेड सी एम के कैप। क्योंकि सोच के देखो कि अगर सारे ही पोजिशन, सारे ही मास, मान लो कि यहां पर हमने एक मास रख दिया एम वन, है ना, इसके अपने कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना लिखा हुआ बोलो तो, एक्स वन आई कैप है ना, वाई वन जे कैप और जेड वन के कैप है, ऐसा लिखा हुआ। दूसरा मास भी लिख दिया यहाँ पर इसने, यहाँ पर एम टू मास है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप और जेड टू के कैप लिखा हुआ ऐसा। तो कहीं ना कहीं बीच में सेंटर ऑफ मास भी होगा, है ना? यहीं पर मान लेते इसका सेंटर ऑफ मास है, जो कि है यहां पर एम वन प्लस में एम टू मास रख दिए, है ना? दोनों का टोटल मास तो यही होगा ना, और इसका जो लोकेशन होगा तो इसके भी तो दो कोऑर्डिनेट होंगे, तीनों एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट होंगे। इसे क्या लिखेंगे, एक्स सी एम आई कैप, बैठा दिमाग में सबको, और जेड सी एम के कैप। तो अगर हमको निकालना है एक्स सी एम आई कैप, तो कैसे निकालेंगे? एक्स सी एम आई कैप क्या होगा, यानी कि एक्स सी एम क्या होगा बता सकते हो? तो हम लिखते हैं क्या सीधे सीधे, एक्स वन एम वन है ना, एम वन एक्स वन प्लस में एम टू एक्स टू डॉट डॉट एम एन एक्स एन बाय टोटल मास, एम वन प्लस में एम टू प्लस डॉट डॉट एम एन। क्या समझ में आया? अगर हम पूछ रहे हैं वाई सेंटर ऑफ मास बता दो, तो क्या लिखोगे, एम वन वाई वन एम टू वाई टू प्लस डॉट डॉट एम एन। क्या यहां तक लिखना आसान हो गया क्या, है ना? y भी आ गया, और तो हम कह सकते हैं जेड सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हैं क्या, कि एम वन जेड वन एम टू जेड टू डॉट डॉट एम एन जेड एन बाय टोटल मास। क्या यहां तक सवाल सबको समझ में आया? ये फॉर्मूले आ गए तुम लोग को दिमाग में, ये फॉर्मूला हो गया, तो जल्दी से कॉपी में लिख लो ये तीनों फॉर्मूला, जल्दी से लिखो, अभी जल्दी से लिखो और हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से ये तीनों फॉर्मूला लिख लो। सब कोई क्वेश्चंस बनाने हैं अभी से, यहां से हो गया टॉपिक खत्म, अब सिर्फ सवाल है, छोटा छोटा बात है सेंटर ऑफ मास के ऊपर, दो बातें हैं और समझ में आएगी, कहानी खत्म हो गया। सबको लिख लिए? जल्दी करो जल्दी। अरे फॉर्मूला खाली लिखो, फॉर्मूला बाकी तुम लोगों को मिल ही जाता है, सिर्फ फॉर्मूला लिख लो एक बार, है ना? सिर्फ एक्स वाला ही लिख लो, अगर कंफ्यूजन होगा कॉपी पेन सब कोई रख लो, और मेरे को चाहिए मेरा क्वेश्चन खत्म होने के पहले तुम लोग का आंसर, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है, अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो। हो गया? तो चलो आप क्वेश्चन नंबर वन पे बात करते हैं। तो मान लेते हैं यहां पर हमने 4 किलोग्राम का एक बॉडी रखा है, ठीक है? यहां पर हम रख दिए 10 किलोग्राम का एक बॉडी, ठीक है? और एक मास यहां पर रख देते हैं, ठीक है? यहां पर रख देते हैं 20 किलोग्राम का एक बॉडी, ठीक है? और ये डिस्टेंस दिया है 5 मीटर का, और ये भी लेंथ दिया है 10 मीटर कर दिया है, ठीक है बात? क्या सबको समझ में आ रहा है? कह रहा इस, हाँ यहां पर 3 मास दिख रहा है हम लोग को, और तीनों के कोऑर्डिनेट हमको पता है क्या? सबसे पहला काम, तीनों कोऑर्डिनेट पता है क्या? 4 किलोग्राम वाले का कोऑर्डिनेट बता दो कितना होगा, 0 0 0, क्या सही है क्या? अरे 4 किलोग्राम अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पर होगा तो जेड तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में ही है। चलो तो ठीक है, 10 किलोग्राम वाले का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे बता दो, एक्स। गुड नवाजीश, तुम्हारा मुंह में दही जमा ले,
20 वाले का 5 10, हाँ 5 10 0। अगर हम अब पूछे ये पहला स्टेप सबके समझ में आया कि नहीं आया, कोऑर्डिनेट लिखने आता है सबका? अरे किसी को नहीं आता हो तो बताओ जल्दी से ताकि हम गाड़ी आगे बढ़ाएं। चलो ठीक है, तो अगर तुम लोग से एक्स सेंटर ऑफ मास पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे? सर जी M1 X1 लिखा, फिर M2 X2 दिख गया, M3 X3। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बाई टोटल ऑफ टोटल मास यानी कि 4 प्लस 10 प्लस 20, क्या बात है, मजा आया। तो कितना आ गया देखो तो 150 यानी कि 150/34, क्या समझ में आया सबको? तो यहां से क्या 75/17 कुछ ऐसा आ जाएगा। वाई सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? वाई सेंटर ऑफ मास, हाँ 10 × 0 और प्लस में 20 × 10 बाय टोटल मास कितना आ जाएगा? अभी भी 34 ही रहेगा, कुछ नया थोड़ी आने वाला है। तो 200 बस। अरे सही लिखे रे, हाँ 34, 100/17, और जेड सेंटर ऑफ मास तो 0 ही आने वाला है ना, तो बता दो आर सेंटर ऑफ मास कितना हो गया? तो सर एक्स कोऑर्डिनेट पता है 75/17 है ना, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 100/17, और जेड कोऑर्डिनेट है 0, दैट्स योर आंसर है ना। दिस इज लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, अबाउट दिस ओरिजिन पॉइंट। क्लियर है बात? क्या बहुत भारी था? एकदम प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें फिजिक्स कहीं से भी नहीं आता है अभी तक, प्योरली मैथमेटिक्स है कि नहीं है? अंशु तुमको समझ में आ रहे? नवाजीश, अरे अरे हरिशंकर कहाँ है रे तू? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन अब बनेगा ना, ठीक है जल्दी से बना के दिखाओ। 5 किलोग्राम का बॉडी यहां पर रखा गया, यहां पर 10 किलोग्राम का बॉडी रख दिया गया है ना, यहाँ पर 15 किलोग्राम का बॉडी रख दिया, यहाँ पर 20 किलोग्राम का बॉडी रख दिया गया है, और सबके डिस्टेंसेस 4 4 मीटर पर हैं। जल्दी से बना के दिखाओ कितना होगा इसका आंसर। जल्दी बनाओ, एक्स और वाई ही लेना, जेड तो पक्का ही 0 है ना, साफ दिख रहा है जेड सेंटर ऑफ मास 0, जेड है ही नहीं तो कहां से होगा जेड? तुम लोगों को फील हुआ कि नहीं हुआ जेड 0 होगा? सबको दिखा जेड 0 होगा, क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट ही नहीं है तो जेड सेंटर ऑफ मास कहां से होगा? बात समझ रहे हो ना? आया रे, कैसे ही बनाया है ऐसे? हाँ तो एक्स सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? ये तो 0, 5 × 0 15 × 4 प्लस में 10 × 0 है ना, अब प्लस में 20 × 4। बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी था मगर फॉर्मूले कमाल के निकल करके आए हैं। नहीं आसान हो गया ना, 80 और 60, 140/30/50 सही है क्या? सही निकाले है ना? हाँ उसी तरह से वाई सेंटर ऑफ मास बता दो कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 × 4 सिर्फ यही वाला तो मल्टीप्लाई होने वाला है, और प्लस में 20 × 4 होने वाला है बाय टोटल 50 आने वाला है, तो 80 और 40 है ना, तो 120/50 यानी कि 12/5। तो आर सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? 14/5, 12/5 है ना, और पूछेगा वेक्टर में बता दो तो क्या लिखेंगे? 14/5 i कैप और 12/5 है ना, ये तो लोकेशन है बेसिकली है ना, दिस इज लोकेशन ऑफ सेंटर, दैट्स इट। क्लियर है बात? सबको समझ में? नवाजी तुम्हारे मुंह में दही जमा ले रहे।
ठीक, चलो इसका बताओ। यहां पर रखा गया 20 किलोग्राम का बॉडी, यहां पर रखा गया 30 किलोग्राम का बॉडी, यहां पर 40 किलोग्राम का बॉडी रख दिया गया है, ठीक है, और क्या, ये एंगल कर लेते हैं 60 डिग्री, और ये एंगल 30 डिग्री का दिया गया, और ये 90 डिग्री पर है, बताओ। जबकि ये लेंथ कितना है? नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। तो फिर दिक्कत हो जाए। नहीं, रहने देते हैं, रहने दें। नहीं, रुक जा, रुक जा, रुक जा, कट 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 कट। हाँ ठीक, ये थोड़ा आपको एरेंज करना है, ठीक है, इतना नहीं। तो उन लोग कहिए, सेक ऑफ सिंप्लिसिटी नाम का एक वर्ड होता है, उसको कह रहे हैं यहाँ 54 डिग्री, सॉरी फिफ्ट है ना 53 डिग्री, और ये हो गया 37 डिग्री, और ये दे देते तुमको 10 मीटर, ठीक है। आठ मीटर, 6 मीटर, क्लियर है अब तक? तो देखो ध्यान से सुनना, पहले अगर नहीं समझ में आ रहा तो 20 किलोग्राम वाले का कोऑर्डिनेट कितना होगा? पहला बात तो सर 0 0, यहां से कोई शक है ना? और अगर हम पूछे 40 किलोग्राम वाले का भी, तो हमको आसानी से निकल गया ना, एक्स में 10, वाई में 0। रहा बात 30 किलोग्राम का, 30 किलोग्राम वाले का कोऑर्डिनेट कितना होगा? देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 6 का कॉस 53 डिग्री, देखो सही लिखे क्या, एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना 6 cos 53 डिग्री, और ये वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 6 sin 53 डिग्री, और 6 cos 53 डिग्री का मतलब, cos 53 डिग्री का मतलब, अरे cos 53 ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, ये 37 है, और ये 53 डिग्री है। अब तो cos 53 3/5 हो जाएगा ना, तो 3/5, और 6 sin 53 मतलब 4/5 हो जाएगा, सीधी बात है। तो यहां से आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 18/5, 24/5। अब तो निकल जाएगा ना एक्स सेंटर ऑफ मास आराम से, तो 20 * 0 है ना, प्लस में 40 * 10, अब प्लस में 30 * 18/5, बाय टोटल मास कितना, 90 है ना जी, तो 400, अब प्लस में 108 है ना, बाय 90। सॉल्व कर लेगा तो एक्स आ जाएगा ना, और वाई सेंटर उसी तरह से भी 20 * 0। अच्छा वाई तो 0 ही होगा क्या? नहीं, वाई 0 नहीं है रे, भगवान माफ करेगा हमको, बताओ तो। 30 * 24/5/90 कितना हो गया, 144/90 कुछ ऐसा आ जाएगा ना, और बोल रहे तो 508/90। तो बताओ आर सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, वेक्टर में अगर लिखे हैं तो 508/90 आई कैप, सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सिंपल कर सकते हैं क्या, 140 j कैप, इतना आ गया आंसर। क्या बहुत भारी था? हाँ आसान था। अभी ये देखो, यहां पर हमने लिया है पानी, क्या लिया है ना, H2O, वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है। ऐसे अंशु तुमको समझ में नहीं आ रहा है रे अंशु? हाँ आ रहा, ये जो है एंगल यहां से यहां तक दिया हुआ है 108 डिग्री, ध्यान समझना। यहां पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, यहां पर हाइड्रोजन रखा हुआ है, यहां पर भी हाइड्रोजन रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो लेंथ दिया है, ये दिया है हमको दो, ठीक है, दो एंगस्ट्रम दिया है, ठीक है, या 0.2 एंगस्ट्रम, ये 0.2 एंगस्ट्रम दिया हुआ है। हमको पता है 1 एंगस्ट्रम कितना होता है, 10^-10 मीटर, ठीक है। और ऑक्सीजन का वजन कितना होता है, तो 16 AMU याद है, और हाइड्रोजन का वजन कितना होता है, 1 AMU है ना, और एएमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है ना, 1.67 × 10^-27 किलोग्राम, जरूरत नहीं है इतना यूज करने का, हमको एएमयू में ही रख लेगा इसको। चलो अपना, चलिए 108 डिग्री है यहाँ पर,
करे बना ना, इसको एंगस्ट्रम बोलते हैं, पता होगा ना यहां पर। क्या करा जाए सबसे पहले बता, ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन का वजन कितना, 16 AMU है क्या? उसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 है। अरे बोलो रेहा, है कि नहीं है? अरे ऑक्सीजन का 0 0 हुआ ना रे। ठीक है, हाँ। अब इस हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, इस हाइड्रोजन का क्या होगा? हाइड्रोजन का वजन कितना, 1 AMU होता है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये देखो, अगर ये 0.2 है, ये 53 एंगल हो गया, इन्हें हो गया, तो 0.2 का कॉस 53 ये होगा, है ना, कॉस 53 डिग्री इधर की तरफ, और ये हो जाएगा हमारा 0.2 sin 53 डिग्री। क्या सही लिखे है क्या? 0.2 cos एक्स में, सॉरी एक्स में ना, एक्स में लिखना था साइन, तो वो भी माइनस में आएगा, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, माइनस में, वाई भी निगेटिव है ना, दोनों निगेटिव है। 0.2 sin 53 डिग्री कॉमा माइनस में 0.2 cos 53 डिग्री। क्लियर है यहां तक? तो सॉल्व अगर करेंगे तो माइनस में 0.2 sin 53 का मतलब है sin 53, sin 4/5 ना, 4/3 बोल रही है, 4/5 कॉमा माइनस में 0.2 cos 53 का मतलब 3/5 है ना। तो सॉल्व कर लेंगे तो 0.4 है ना, ये तो 0.4 हो जाएगा ना, 16, तो कितना हो जाएगा ये, तो 0.16 है ना रे, कॉमा माइनस में 4 3 12 0.12। कैसे ही लिखें क्या? उसी तरह से अगला 1 AMU क्या आएगा बता, तो इस वाले का 1 AMU का बारे में, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट तो इतना ही रहने वाला है ना, ये भी तो इतना ही रहेगा ना, 0.2 sin 53 डिग्री। क्या बहुत आसान हुआ कि नहीं हुआ? प्लस में 0.2 sin 53 डिग्री कॉमा माइनस में 0.2 cos 53 डिग्री। क्या सबको समझ में आ रहा है? तो 0.2 sin 53 डिग्री वही आएगा, 4/5 कॉमा 0.2 3/5। यहां से कितना आ गया, 0.08 के आसपास में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 0.8 सेमी रिजल्ट नहीं आएगा, 16 कॉमा माइनस में 0.12। क्लियर है यहां तक? तो एक्स सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे बता दो, 16 × 0 है ना, माइनस में 1 × 0.16 प्लस में 1 × 0.16 बाय टोटल मास कितना, तो 16 प्लस में 1 प्लस में 1, ये सब एमयू में ही रखे तो एमयू एमयू कट जाएगा। क्लियर है ऊपर में ये लाइन, सबको समझ में आया कि नहीं आया? ये तो जीरो आ गया क्या, एक्स सेंटर ऑफ मास जीरो आ गया क्या रे? अरे एक्स सेंटर ऑफ मास तो जीरो आ गया ना, तो क्या वाई सेंटर, क्या वाई सेंटर ऑफ मास सॉल्व कर लोगे? हाँ ना, बन जाएगा। क्लियर है बात? या सबको सब, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे 108 को तुम आधा करेगी तो 53 नहीं आएगा रे, आए कब से, कौन मास्टर पढ़ाया है तुमको? क्या, अरे 108 को 2 से डिवाइड करो ना रे, अल्लाह तो भाई सड़े हैं तुम लोग। देखो 2 से अगर हम 108 को डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 कटा, और 8 उतरेगा था ना, तो 2 3 जा 8 कट गया। अरे तुम लोग कौन मास्टर से पढ़ा है रे? अंशु अंशु,
पड़ा? सबको समझ में आया कि हम काहे लिए 53? क्योंकि 54 का पता था नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस वाले को देखो ध्यान से, यहां पर एक वजन रख देते हैं 4 किलोग्राम का, है ना? तो 4 नहीं रखते, थोड़ा अच्छे से रख देते हैं। तुम लोग कुछ ज्यादा हो गया क्या इसमें? हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं 1 किलोग्राम, यहां पर रख देते हैं 2 किलोग्राम। नवाजीस लगता है भूकंप आ गया। नवाजीस सो उतरे क्या रे? चल चल गया क्या रे? 5 kg? हाथ तो समझ रहे हैं तुम कहाँ। 7 किलोग्राम? अरे सारे है ना, यहाँ पर 8 किलोग्राम दिख गया क्या? और सब का लेंथ है चार चार, है ना? कितना है? चलो 10 कर लेते हैं, है ना? सब का जो लेंथ है ये 10 10 मीटर का है ना? ये भी 10 मीटर का है, ठीक है? तो बताओ एक एक करके 1 किलोग्राम का कोऑर्डिनेट बताना स्टार्ट करो, है ना? फिर उस तरह से 2 किलोग्राम वाले का, 3 किलोग्राम वाले का, 4 किलोग्राम वाले का। अगर हम सबका कोऑर्डिनेट बता दें तुम लोग सवाल सोल्व कर लोगे क्या? 7 किलोग्राम का और 8 किलोग्राम का, है ना? 9 किलोग्राम का, 8 ही किलोग्राम है, ला देना है। तो 8 ही कोऑर्डिनेट, तो 8 ही रहेगा, नहीं रहे? सिर्फ क्वाड्रेट लिख देते हैं, बाकी तुम लोग सॉल्व कर लोगे। इतना ब्रिलियंट हो गया है तुम लोग। चलो 1 का तो सर गारंटी है 0 0 होगा, है ना? अरे बोलो ना। हाँ, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये सब, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा इधर जेड एक्सिस है, और सारे ही कोऑर्डिनेट मेरे पॉजिटिव आने वाले हैं, ज्यादा लोड नहीं लेना। अब बता 2 किलोग्राम वाले के पास देखो, एक्स का कोऑर्डिनेट तो 10 दिख रहा है, वाई ऊपर गया नहीं, जेड इधर नहीं गया, है ना? तो 10 0, है ना? ये जेड भी 0 होगा, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट आने वाले हैं, है ना? तो ये 3 किलोग्राम वाले के बारे में बात करते हैं। 3 किलोग्राम वाले कोऑर्डिनेट कौन बताएगा? जल्दी बता दो। 10 10 0, 10 10 0, है ना? 10 10 0। 4 किलोग्राम वाले का एक्स नहीं होगा क्योंकि वाई एक्सिस पर है, वाई पर तो है, नहीं, वाई पे है, वाई पे है, वाई पे है 10, वाई पे 10 ऊपर में है ना? 5 किलोग्राम वाले का देखो, 5 किलोग्राम वाले के लिए एक्स नहीं होगा क्योंकि ये देखो वाई जेड प्लेन में है, तो वाई जेड प्लेन में एक्स वैल्यू 0, याद रखना आप ध्यान से, एक्स वैल्यू इज 0 इन वाई जेड प्लेन, ठीक है? उसी तरह से वाई वैल्यू इज 0 इन किसमें? एक्स जेड प्लेन, और जेड वैल्यू इज 0 इन वाई एक्स वाई प्लेन, है ना? ये एक्स वाई प्लेन है ना, जेड का वैल्यू एक्स वाई प्लेन, क्लियर है बात? तो ये तो देखो वाई जेड प्लेन बन रहा है क्या? ये जो प्लेन बन रहा है तो वाई जेड प्लेन, उस पर एक्स तो 0 हो जाएगा, एक्स 0 हो गया। वाई का कोऑर्डिनेट देख लो, ये वाई कोऑर्डिनेट कितना 10 और जेड भी 10, ठीक है? यहां तक। 6 वाले का देखो, 6 वाले का, तो 6 वाले का तो एक्स तो नहीं है क्योंकि ये फिर से एक्स जेड प्लेन में है, वाई भी नहीं है क्योंकि वो जेड एक्सिस पर है ना? तो जेड एक्सिस पर वाई वैल्यू का खत्म हो गया और सिर्फ ये रहेगा 10 इसके पास। 7 वाले का फिर से देखो, ये एक्स जेड प्लेन में है, 7 वाला एक्स जेड प्लेन में है, तो वाई तो 0 हो जाएगा बीच वाला। 7 वाले के लिए तो 10 और 10 इधर रहेगा ना, तो एक्स में भी जेड 10 रहेगा, इधर भी जेड, है ना? अब 8 वाला तो कहीं नहीं है, ना एक्स में है, ना वाई में है, ना जेड में है, तो 8 वाले के लिए क्या लिखेंगे? 8 10 है 10 और 10, हाँ तीनों है इसके पास, टन टन टन। क्या बन गया सबको? हमने नहीं बनाएंगे। हाँ तो अभी एक और बात बताते हैं। एट एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पर बात करेंगे तो वाई एंड जेड बोथ 0, क्लियर है बात? एट वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस पर एक्स एंड जेड बोथ 0, क्लियर है बात? और यहां से भी एट जेड एक्सिस क्या बोलोगे? एक्स एंड बोथ 0। तो पूरी कहानी अब क्लियर है ना? तो अब तो हम सॉल्व कर लेंगे। अब कह रहे हैं कि दो मास सिस्टम मेरे पास दिया हुआ है, उसका हमको सेंटर ऑफ मास बताना है। तो मान लेते हैं मेरे पास दो मास सिस्टम है, एक मास यहाँ पर है जिसका वजन m है, और एक और मास है थोड़ा बड़ा मान लेते हैं, है ना? इसको m1 कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं m2, और इसके बीच का लेंथ है मान लेते हैं
एल, ठीक है, कह रहा है इसका सेंटर ऑफ मास बताओ कितना होगा। क्या बहुत आसान हो गया हमारे लिए क्या निकालना, है ना? क्या हम इसको एक्सिस कह दें और इसको हम वाई एक्सिस कह दें, तो हम साफ साफ कह देंगे क्या कि सर M1 का, हाँ, 0 0 हो जाएगा, और M2 वाले का कोऑर्डिनेट तो साफ दिख रहा है कि सर L0, है ना? तो एक्स सेंटर ऑफ मास कितना होगा, M1, M2L, M1 प्लस में M2, सीधा बात हो गया क्या, M2L बाय M1 प्लस में M2। ऐसा सबको समझ में आ रहा बात? हेलो, आवाज आ रही है अच्छे से? हेलो, उड़ गए तुम लोग की आवाज यार। अब आगे बढ़ते हैं, क्या निकल गया ये x, तो ये हो गया, और y सेंटर ऑफ मास तो होगा नहीं, यानी y है ये नहीं, ठीक है। तो दो केस लेते हैं, है ना, दो केस लेंगे, है ना, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। अगर हम मान लेते हैं कि M1 बहुत बहुत छोटा है M2 से, ठीक है, दो केस नहीं तीन केस लेते हैं, कितना केस लेते हैं, तीन, ठीक है। तो केस नंबर 1 पे बात कर रहे हैं और केस नंबर 2, केस नंबर 3। अगर हम ऐसा मान लें कि M1 बहुत ही छोटा है, तो जिसको हम मानते हैं छोटा, तो क्या हो जाएगा बताओ, तो M1 अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा क्या? अरे समझ गए, एक मास यहां पर छोटा सा, एक मास खूब बड़ा है M2, M2 बहुत बड़ा है इस बार, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये रहा M1 और ये रहा M2, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, सोच के देखो। तो क्या बोलोगे इसका एक्स सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे, M1 के जगह पे? अरे M1 तो ऐसे ही 0 है ना, M1 0 हो गया तो M2 कट जाएगा क्या, L हो जाएगा क्या? अरे M1 के जगह पे यहां 0 लिख देंगे तो M2 कट जाएगा, तो बचेगा L ही ना, है ना? इसका मतलब अगर बहुत बड़ा बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास उसके तरफ शिफ्ट कर गया, तो सेंटर ऑफ मास कहां पहुंच गया देखो, तो एकदम क्लोजर टू M2 यहां पर आ गया सेंटर ऑफ मास। क्लियर है बात? ये हो गया सेंटर ऑफ मास, क्लियर है बात? वेरी क्लोज, जितना ज्यादा वजन होगा उतना ज्यादा सेंटर ऑफ मास उसके तरफ होगा, समझ गए? अभी जो फोटो दिखा रहे थे अर्थ और सन वाला, सॉरी अर्थ और मून वाला सिस्टम, उसमें देखो ये ना था, कहाँ थे, पीछे, है ना, ये वाला, एक सेकेंड रुक जाना। अभी जो पीछे दिखा रहे थे इस सिस्टम में, यहां पर देखो अर्थ है और मून है, उस सिस्टम में क्या था देखो, अभी देखो दिख रहा है ना सबको, अर्थ यहाँ है, वजन यहाँ है मून का, देखो सेंटर ऑफ मास क्या अर्थ के बहुत क्लोज, इवन अर्थ में घुस गया है, फोटो नहीं दिख रहा है क्या, है ना? सेंटर ऑफ मास तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, तो बस यही समझना था इसमें, और कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, केस नंबर 2। केस नंबर 2, अगर हम ऐसा मान लें कि इस बार M1 ही बहुत बहुत बड़ा है M2 से, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि M2 0 के पास चल जाएगा, तो बता दो x सेंटर ऑफ मास क्या होगा इस बार, अगर M2A को 0 लिख दोगे तो इंटायर टर्म में 0 हो जाएगा क्या, है ना? इसका मतलब क्या है कि M1 बहुत बड़ा है इस बार और M2 बहुत छोटा है ना? तो सेंटर ऑफ मास इस बार क्या हो गया, M1 के तरफ चला आएगा, जिसका वजन ज्यादा उसके तरफ सेंटर ऑफ मास चलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहीं यहां चला जाए, क्लियर है बात? अरे बोलो नहीं भाई, सर सब कुछ नहीं बोल रहे तुम लोग, ठीक है ना? और अगर हम केस मान लें ऐसा कि तीनों, कि M1 और M2 दोनों ही बराबर है, जिसको हमने मान लिया M, तो बता दो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, L बाय 2। यानी कि अगर वजन दोनों सेम है ना, ये M है ये भी M है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इसका, एकदम बीचों बीच होगा इसका सेंटर ऑफ मास, क्लियर है बात? क्लियर हो गया सबको? क्या ऐसा कौन सा बवंडर चीज पढ़ ली जो तुम लोग को नया बात सीखने मिला इसमें, सब बात तुम लोग को पता था कि नहीं पता था, या आज तक तो इतना तो समझती ही होगी, इतना तो विद्वान हो गई, या इतना तो केस तुम लोगों ने जिंदगी जिया ही है, समझ में आ रही है ना बात, ये सारी चीजें?
अरे बोलन रे। ठीक। अच्छा कुछ चीज है, यहां तक किसी को कोई डाउट है सेंटर ऑफ मास उधर बताओ। अरे बोलन रे। हेलो। किसी को तकलीफ है सेंटर ऑफ मास में? चलो ठीक, अगर हम मान लें कि कुछ नॉन सिमेट्रिकल शेप है हमारे पास, उसका हमको सेंटर ऑफ मास बताना है। जैसे अगर हम ये कह दें कि मेरे पास एक सर्कल है, तो सर्कल का सेंटर ऑफ मास बता दो कहाँ होता है। जल्दी बताओ, सर्कल रिंग है तो कहाँ सेंटर ऑफ मास होगा? पीछो पीछे होगा। हाँ पता है। अगर हम बोलते कि स्क्वायर है हमारे पास, कहाँ होगा, है ना। अगर हम कह दें कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, तब कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास? इसके जहां पर, हाँ इसके जो डायगोनल जहां कट रहे होंगे वहां पर सेंटर ऑफ मास होगा। कोई सवाल है? अगर हम ये पूछ लें मेरे पास एक ट्रायंगल है, वो भी इक्विलेटरल वाला, कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होता है, याद है? वो होता है यहाँ से a/√3 पोजीशन पे, याद है? ये सब सिखाए थे, अगर ये लेंथ ए हो तो, है ना। अरे बोलो रे, सर्कल है, स्क्वायर है ना, रेक्टेंगल है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो इस कंडीशन में ये हो जाता है। किसी को डाउट? अगर यहीं पर एक यूनिफॉर्म रॉड है दिया हुआ, सेंटर ऑफ मास का होगा बीचों बीच होगा अगर, है ना, यूनिफॉर्म रॉड है तो बीच में होगा। अरे समझ गए। हेलो। अगर हम एक सिलेंडर के बारे, हाँ सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, तब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? एकदम बीचों बीच यहाँ पर, है ना। हॉलो रहे या सॉलिड रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये हॉलो सिलेंडर है क्या? ये हॉलो, और ये भरा हुआ सिलेंडर रहा तो ही बीच में रहेगा। हाँ सॉलिड सिलेंडर होगा, ठीक है। अगर यहीं पर हॉलो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर है तब भी सेंटर ऑफ मास पे, और सॉलिड स्फेयर है तो, इतना हमको पता है। यानी कि हम कुछ और ऑब्जर्व करें इन सारे ही सिचुएशन में, तो हम ये कह दें कि कहीं ना कहीं एक सिमेट्री अगर दिख जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि उस सिमेट्री पर सेंटर ऑफ मास, सिमेट्री जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा। सोच के देखो कि अगर हम सिमेट्री के ऊपर बात करें, सिमेट्री पढ़े हो ना सब कोई, अरे 3/4 क्लास से तो सिमेट्री पढ़ाया जाता है। देखो इसमें तो, हाँ, इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होने वाले हैं इसमें ना, तो जहां पर लाइन ऑफ सिमेट्रीज मीट कर रहा है, तो उसमें प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं अगर, तो लाइन ऑफ सिमेट्रीज जहां मीट करता है वहीं सेंटर ऑफ मास होता है। इसमें भी देखो ये सिमेट्रिकल लाइन है ना, ये भी एक सिमेट्रिकल लाइन है, यहाँ पर सिमेट्रिकल लाइन है, यहाँ पर कहाँ सिमेट्रिकल लाइन है, देखिए सिमेट्रिकल लाइन है, और ये सिमेट्रिकल लाइन है क्या इसमें, देखो एक ये सिमेट्रिकल लाइन है, इसमें ये एक सिमेट्रिकल लाइन है, और ये एक सिमेट्रिकल लाइन है, तो जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। तो क्या ऑब्जर्वेशन हुआ पहला बात तो बताओ, तो फॉर 2D बॉडी, 2D बॉडी के लिए बात कर रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, गिव्स सेंटर ऑफ मास। क्लियर है बात? समझ गए। अगर हम बात करते हैं फॉर 3D बॉडी के लिए, 3D बॉडी की बात करें अगर, 3D, ये सब दिख रहा है 3D बॉडी है, इस कंडीशन में क्या होगा? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? देखो तो ध्यान से, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? प्लेन समझते हो ना, ऐसे करके कोई काट दिया चाकू से, ऐसे ऐसे भी चाकू से काटा है, क्या दिख रहा है सबको? ये देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसी तरह से अगर नहीं दिख रहा है तो हम क्या करें, थोड़ा थोड़ा तुम लोग देख लिए, है ना। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये, है ना, यहाँ पर तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने वाले हैं इसमें, है ना। तो क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, गिव्स सेंटर ऑफ मास ऑफ 3D बॉडी। क्लियर है बात अंशु?
हेलो। हाँ, अगर हम बात कर हाँ अगर हम एक छोटा सवाल करें तुम लोग से कि अगर हमारे पास एक शेप डिफाइंड नहीं है, कोई एक अजीब सा जनरल सा शेप दे दिया है, बेढंगा ऐसा शेप दे दिया है, ठीक है, अगर हम एक बेढंगे शेप के बारे में बात कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कोई शेप दे दिया है, ठीक है, कह रहा है इसका सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ होगा, ठीक है, ये है अननोन, है ना, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं है इस बार, अनसिमेट्रिकल है, तब कैसे निकालेंगे? तो एक तो प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्या है बोलो तो, प्रैक्टिकल अप्रोच, इसके लिए क्या करेंगे, हमने क्या करा, कुछ होल्स कर डाले, है ना, समझना बात को ध्यान से, एक होल यहां कर दिए, एक होल यहां कर दिए, एक होल यहां कर दिए, है ना, क्लियर है बात, ये तीन होल कर दिए, होल वन, होल टू, होल थ्री, दिख रहा है क्या? अरे बोलो रेहा, हेलो, नहीं, क्लासेस बोला, अच्छा गुंजर से तो हेलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या करें, एक काम करते हैं, इस होल, एक काम करें, दीवाल दिख रहा है, दीवाल, इस दीवाल में जो है ना, उस होल में कांटी ठोक करके लटका देंगे इसको, बैठा दिमाग में, सबको सुनाई पड़ रहा है, तो कांटी ठोक के लटका देंगे तो ये क्या इस तरह से करके वर्टिकल लाइन पर आ जाएगा ये, अरे सबको दिखा ये बात, अरे अगर जहां पर से दीवार में इसको होल कर देंगे तो क्या ये लटक जाएगा ना ऐसे बॉडी, तो जहां पर से लट गया वो पूरी दीवार में एक लाइन खींच देंगे थ्रू आउट तर, ऐसे करके ना, यहां से लेकर के यहां तक पूरा दीवार से लेकर के इस बॉडी में अच्छे से करके लाइन खींच देंगे ऐसे करके एकदम पूरा हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल लाइन होगा, फिर उसी तरह से जब हम यहां पर होल क्रिएट करें, है ना, इस होल को, है ना, इस बार होल टू को पकड़ करके हम रख देंगे, फोटो नहीं बनाएंगे ना, तुम लोग फील कर पा रहे हो ना, जब होल थ्री कनेक्ट करेंगे तो कैसे कैसे ये कनेक्ट करेगा लाइन, ऐसे हो जाएगा क्या? अरे अगर होल थ्री को इसको निकाल करके इस बार होल थ्री डाल दें तो थोड़ा मान लो ऐसे हो गया, क्या इंटरसेक्शन दिख गया तुम लोग को, यही इसका सेंटर ऑफ मास है, बैठा दिमाग में, अगर तुम होल थ्री पुट करो, हाँ हाँ अच्छा, ठीक है, देखो जैसे जैसे अगर हम बोल दें कि मेरे पास कैसे बनाए रहे, क्या दिख गया, हाँ इस बार हम होल थ्री रख दिए, क्या रख दिए, होल थ्री रख दिए यहाँ पर, इस बार होल थ्री को अगर हम पुट करें हैं तो होल थ्री का लाइन हम ऐसे करके दीवार से करके खींच लेंगे जो कि होल थ्री वाला यहां से पास कर रहा था, और ऑलरेडी हमको पता है कि होल वन यहाँ पर रखा हुआ था, तो होल वन से ऐसे करके लाइन अभी तक तो हमको पता है कि ऐसे हमने खींचा था, ये ना सेंटर मास हो गया, और यहाँ पर होल टू है तो होल टू वाला भी अपने आप तुमको दिखेगा यहीं से पास कर रहा है, क्लियर है बात, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास में यहाँ तक कोई सवाल है तो बताओ जल्दी से, चलिए बताओ सेंटर ऑफ मास क्या भारी टॉपिक है क्या आसान टॉपिक है, पहले चलिए बताओ यहाँ तक, यहां तक डिस्क्रीट मास सिस्टम में सबको क्लियर हो गया यहां तक, अब दो तीन डेफिनेशन है, छोटे छोटे डेफिनेशन है उसको समझना, किसी को तकलीफ है बताओ, 10 मिनट और है हमको और आराम से आज पढ़ाई हुआ है, ठीक है, तो सपोज करो कि मेरे पास तीन डेफिनेशन है सर, लीनियर मास डेंसिटी, सबको बोलना जल्दी जल्दी, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी, तीन चीजें हैं जिसको सीखना है हम लोग को, तो लीनियर मास डेंसिटी क्या है कि अगर हम बोल दें कि मेरे पास एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, जिसका लेंथ मान लेते हैं एल है और इसका वजन एम दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, लेमडा क्या हो जाएगा, पूरा मास बाय पूरा लेंथ या छोटा सा वजन बाय छोटा सा लेंथ, ठीक है, जैसे हम मान लें कि छोटा सा वजन ले ले, इतना सा वजन काट लेते हैं, ठीक है, इसका वजन का नाम देते हैं डीएम और इसका लेंथ है डीएक्स, क्लियर है यहां तक, अरे बोल रहे,
इसी को बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, को हम कहते हैं लेमडा, लिनियर मास डेंसिटी। इसका यूनिट क्या होगा? किलोग्राम पर मीटर। क्लियर है? आता है? अरे बोल रहे, तीन डेफिनेशन है। डीएम बराबर क्या लिख सकते हैं? लेमडा इंटू डीएक्स लिख सकते हैं क्या? डीएम बराबर लेमडा इंटू डीएक्स लिख सकते हैं ना। तो अगर हम पूछे कि अगर हमको जानना है इसी को डीएम बराबर अगर लेमडा इंटू डीएक्स लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो डीएम का इंटीग्रेशन क्या होता है? ट्रिकल मास होता है क्या? बराबर इंटीग्रल ऑफ लेमडा इंटू डीएक्स हो जाएगा। अरे बोलन रे, हाँ है ना। यहां पर इस तरह से क्या कर रहे हैं, पूरे लाइन के छोटे छोटे हिस्से को जोड़ रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। क्या बोलते इसको? हाँ, पूरे लाइन को जोड़ना, इसलिए नाम है इसका लाइन इंटीग्रल। बाकी तुमको इंटीग्रेशन ही करना है, इसके लिए ज्यादा माथा फोड़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन नाम है लाइन इंटीग्रल तो हम बता दिए। ठीक है, हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ा है वही करेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पर सरफेस मास डेंसिटी। मान लेते कोई सरफेस एरिया दे दिया है, ठीक है, एक अजीब सा सरफेस एरिया दे दिया, इसका वजन है एम, इसका एरिया है ए। तो हम क्या करें, इसका एक छोटा सा एरिया काटे, ठीक है, छोटा सा एरिया काट दिए, है ना। इसका वजन है मान लिया डीएम, और इसका भी कुछ एरिया होगा डी ए। क्लियर है बात? तो सरफेस मास डेंसिटी को सिग्मा से दिखाते थे। ये क्या हो जाएगा, कैसे इसको लिखेंगे बोलो तो? मास पर यूनिट एरिया। यूज कैसे करेंगे समझ में आएगा बाद में, अभी तो बस सिर्फ डेफिनेशन याद रखना है। सिग्मा क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट एरिया, जिसको हम कह देंगे छोटा सा वजन बाय छोटा सा एरिया। यहां तक ठीक है? तो डीएम बराबर क्या होगा? सिग्मा इंटू डी ए। कोई दिक्कत नहीं है? अगर हम पूछे कि टोटल मास क्या होने वाला है, तो हम कह देंगे क्या? सिग्मा इंटू डी ए। और ये क्या हो जाएगा बताओ? सरफेस इंटीग्रल कहते हैं इसको। क्या उसको? सरफेस इंटीग्रल, पूरा का पूरा एरिया को जोड़ देंगे, ठीक है ना। पूरे एरिया में हमको टोटल वजन निकालना है, तो पूरा एरिया का छोटा छोटा डीएम डीएम पकड़ पकड़ करके जोड़ देंगे, तो हमको निकल जाएगा। अरे यार तुम लोग के तो पैंट बज गए यार, नहीं समझ में आ रहा तो बताओ जल्दी से। देखो अगर लाइन पर, जैसे ये पेन दिख रहा है क्या, तो पेन लाइन के लाइन पर डिपेंडेंट है क्या? इस लाइन पर नहीं लग रहा, पूरा पूरा लीनियर मास डेंसिटी इसके पास, ठीक है। वही पर अगर मेरे पास कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में पूरा एरिया मास है, ठीक है, हमको बोला उसका वजन बता दो, तो हम उसके लिए डिफाइन करें सरफेस मास डेंसिटी। क्या डिफाइन करें? सरफेस मास डेंसिटी। तो हम क्या करेंगे, छोटा छोटा कार्डबोर्ड का हिस्सा हिस्सा का वजन निकाल निकाल कर पकड़ देंगे, जोड़ देंगे, टोटल मास निकल जाएगा। देखो ना, सिग्मा डीए क्या है? सिग्मा डीए क्या है? छोटा छोटा वजन है क्या? सिग्मा डी अगर कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब छोटा वजन है। और अगर टोटल वजन निकाल पकड़ के जोड़ देंगे, किसको जोड़ेंगे? पूरे सरफेस एरिया को जोड़ेंगे। हाँ, बाकी करना है इंटीग्रेशन ही, बस नाम है इसका सरफेस इंटीग्रेशन, है ना। यूज करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन हाँ अभी यह वर्ड समझना है कि अगर मान लो कि लाइन पर अगर एरिया है, तो वहां पर यूज करेंगे लिनियर मास डेंसिटी। अगर पूरे एरिया में मास है, तो हम यूज करेंगे सरफेस मास डेंसिटी। और वॉल्यूम में रहेगा तो वॉल्यूम मास डेंसिटी, तो जो हम लोग जानते ही हैं, है ना, जानते हैं ना इसके बारे में। अरे रो वाला याद है, तुम लोग वजन ही यही तो पढ़े थे, सरफेस मास डेंसिटी। इसका वजन एम है, वॉल्यूम भी है, इसका हम क्या करेंगे, छोटा सा वजन डीएम काट लेंगे, इसका वॉल्यूम होगा डी भी। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं रो। क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम, या छोटा सा वजन बाय छोटा सा वॉल्यूम, ठीक है यहां तक। तो डीएम बराबर क्या हो जाएगा, रो डी भी। अच्छा यूनिट नहीं लिखे थे, इसका इसका यूनिट क्या हो जाएगा बोलो तो? केजी पर मीटर स्क्वायर, है ना। और इसका क्या हो जाएगा बोलो तो? केजी पर मीटर क्यूब। अगर हम यहां से निकालें टोटल मास, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ रो डी भी। क्लियर है यहां तक? और ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल। क्या बोले इसको? वॉल्यूम इंटीग्रल। क्लियर हो गया तक? हेलो, ठीक है। तो अब आगे, हाँ, जिसे अगर सवाल नहीं लेंगे हम आज, ठीक है, छोड़ दे रहे हैं सवाल को, एक तो चीज को हम ये सबको बता देंगे नेक्स्ट डे। अच्छा चलो, ये सवाल बता दो, इस सवाल को बता दो, हम नेक्स्ट डे बता देंगे, है ना। बाकी कुछ सवाल है, एक पार्टिकल है जिसका वजन है 1 किलोग्राम, देखो तो 1 किलोग्राम का कोऑर्डिनेट कितना दिखा हुआ है, देखो तो 3i कैप, हाँ, प्लस में 5k कैप सबको दिख रहा है क्या?
और 3 किलो वाले का दिख रहा है 4i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में 2k कैप। तो अगर हम पूछ लें कि आर सेंटर ऑफ मास क्या होगा तो क्या लिखते हैं, m1 r1 वेक्टर है ना, और प्लस में m2 r2 वेक्टर बाय टोटल मास m1 प्लस। m1 दिख रहा है क्या, तो 1 × 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस में 5k कैप। बहुत सिंपल हो गया क्या ये सब तो, है ना। हम तो क्वाड्रेंट से भी सॉल्व कर सकते थे वैसे, ठीक है। आ जैसा दिया है वैसा ना, इसी बोलते जैसा देश वैसा भेस, है ना। यहाँ से क्या 3i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में 5k कैप, क्या सॉल्व हो जाएगा क्या ये, है ना। सॉल्व कर लेना, कहानी खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ पिक्चर दिख रहा होगा तुम लोग को, इन सब के सेंटर ऑफ मास तुमको याद रखने हैं पहला, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यही सब डेराइव करेंगे, इन सब के सेंटर ऑफ मास को डेराइव करेंगे, लेकिन तुमको डेरिवेशन से ज्यादा याद रखना है, ठीक है। तो पहला तो ये है हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग, क्या है बोलो तो, सेमी सर्कुलर रिंग। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, तो मान लो इसका रेडियस अगर आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आर दिया हुआ, सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है, ये है 2r/π, ये लेंथ कितना है बोलो तो, 2r/π लेंथ है, यहां से तक का, यहां से यहां तक का लेंथ है 2r/π। उसी तरह से इसका लेंथ कितना है, ये सेंटर ऑफ मास का 4r/3π, ये सेंटर ऑफ मास यहां से यहां तक का लेंथ है r/2। उसी तरह से ये क्या है बोलो तो, क्या ये डिस्क है, क्या ये डिस्क है ना, या सेमी डिस्क, हाँ सेमी सर्कुलर डिस्क है ना। ये क्या है बोलो तो, हेमी स्फेयर है ना, कौन सा, हॉलो वाला। और यहां पर ये हो गया सॉलिड हेमी स्फेयर, ठीक है। और इसका 3r/8 यहां से है ना, यहां बॉटम से ये लेंथ है 3r/8, ठीक है। यहां से h/3 लेंथ पर ये क्या है, हॉलो कौन कौन है, हम बोल रहे हैं हम, हेलो कौन, तुम्हें पूछ रहे रे, हेलो हाँ हेलो कौन, h/3 ये कौन है, ये सॉलिड कौन है। हाँ ये h/4 पर होता है, और बाकी ये तुमको दिख रहा है रेक्टेंगुलर ट्रायंगल है, इसका a/3 और b/3 पोजीशन पर होगा, है ना। ये सारे तुमको याद रहने चाहिए, घर पे 2 बार 3 बार लिखना, इस चैप्टर का क्रक्स इतना ही है कि तुमको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए, मेजरली तुमको याद रहना चाहिए एक, यही इंपॉर्टेंट है, 2r/π और 4r/3π, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको ये दोनों तो याद रहना ही रहना चाहिए, याद हो जाएगा सबको। अरे बोलो रे,